इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। और कितना टाइम लगेगा डीएनए रिपोर्ट आने के लिए? जज साहब, बस कुछ ही देर में रिपोर्ट पहुंचाएगी। योर ऑनर, उससे पहले हम कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के दावे को कमजोर करती है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है, जिस कब्रिस्तान में ज़ारा सिद्दीकी के कब्र होने का दावा किया गया है, वहां के रिकॉर्ड्स में ज़ारा सिद्दीकी का नाम है ही नहीं। नाम होता भी कैसे? इस कातिल ने उस वीडियो में साफ साफ बयां किया है कि उसने हमारी ज़ारा का कत्ल किया है। कत्ल करने के बाद उसने हमारी ज़ारा की लाश को उस नदी में फेंक दी। बहते बहते हमारी ज़ारा की लाश उस गांव तक पहुंची जो एयरपोर्ट के पास है, और वहां के सरपंच को मिली। इंसानियत के तौर पर वहां के सरपंच ने हमारी ज़ारा की लाश को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया। सरपंच का नाम इकबाल खान है? जी जज साहब। इस रजिस्टर में इकबाल खान नाम के एक शख्स का जिक्र है, लेकिन उसने किसी लावारिस लाश को नहीं बल्कि अपनी बेटी समीना को दफन किया है। हमें माफ कीजिएगा जज साहब, लेकिन जो इंसान अपने खुद के बेटे को पागल करार कर सकता है, वो गवाह को खरीद नहीं सकता। अगर आप हमारे वीडियो के तौर पर इस कातिल की तकदीर को तय नहीं कर सकते, तो फिर इस वीडियो के तौर पर इस कातिल को रिहा कैसे कर सकते? और माफ कीजिएगा, उस कागज के तौर पर भी नहीं। हम दरखास्त करेंगे इस पूरे कोर्ट से और जज साहब आपसे कि ज़ारा की डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, और फिर पता चल जाएगा कि ज़ारा को उस कब्रिस्तान में दफनाया गया था या नहीं, और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। गवाह अगर हमारे हक में बोले तो उन्हें हमने खरीद लिया, और इनके हक में बोले तो वो काबिले यकीन। हम तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से हम किसी को क्या खरीदें? और जिस यकीन से ये दावा कर रहे हैं डीएनए ऑफिसर की रिपोर्ट का, उससे तो हमें लगता है कि शायद इन्होंने डीएनए ऑफिसर को खरीद रखा है। डीएनए ऑफिसर को कोई नहीं खरीद सकता। अब चाहें तो इस रिपोर्ट की जांच करवा सकते हैं, इसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं किए गए। ये रिपोर्ट इस बात का पुख्ता गवाही करता है, जिस कब्र में ज़ारा सिद्दीकी का डीएनए सैंपल लिया गया है, उस कब्र में ज़ारा सिद्दीकी की लाश थी ही नहीं।